सर, छत्तीसगढ़ के आदिवासी समाज के कुछ जातियों को ट्राइबल के लिस्ट में लाने का ये बिल है, उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जातियां हैं उनको भी आदिवासी समाज में अंतर्भूत करने का ये बिल है, और माननीय अर्जुन मुंडा जी उसका रिप्लाई देने वाले हैं। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि जो होता है मृदुभाषी, जो होता है मृदुभाषी वो होता है आदिवासी। उत्तर प्रदेश में है काशी, उत्तर प्रदेश में है काशी, लेकिन मैं हूं महाराष्ट्रवासी। तो ये जो बिल है, ये बिल बहुत सारे जातियों को ट्राइबल में लाने का बिल है, और हमारी माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है, ये सरकार सामाजिक न्याय का विचार करने वाली है। दलित आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा न्याय देना चाहिए, भूमिका लेने वाली हमारी सरकार है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार अपने देश के राष्ट्रपति पद पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को ये मौका देने का काम किया है, और एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आदिवासी समाज के बारे में ये कांग्रेस वालों ने कभी बात नहीं की, ये कांग्रेस वाले तो भाग जाते हैं लेकिन हम जाग जाते हैं। तो कांग्रेस वाले तो चले गए, वो तो मतलब वो चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, हम तो चर्चा चाहते, वो बोलते हंगामा करते हैं। तो कांग्रेस के राज में जितना दलितों को और आदिवासियों को न्याय नहीं मिला, उतना न्याय मोदी सरकार में मिल रहा है। लेकिन मेरी मांग एक है कि हमारे महाराष्ट्र में विशालगढ़ नाम का एक गढ़ है, महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले में खालापुर तालुका है, खोपोली है, और वहां इरसालवाड़ी एक 47 मकानों का एक गांव था, और वहां मतलब पहाड़ गिरकर वहां 47 मकान के लोगों की काफी मृत्यु हो गई है, उसमें वो 124 लोग बच गए हैं, लेकिन कम से कम 80-90 लोगों की मृत्यु वहां हुई है। तो एक बहुत बड़ी दर्दनाक घटना है। मैंने महाराष्ट्र सरकार के सीएम डिप्यूटी सीएम को भी पत्र लिखा है, और भारत सरकार से मेरी मांग है कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पर लाना ही होगा। कभी भूकंप होता है तो पहाड़ गिर जाता है, कभी बारिश होती है तो पहाड़ गिर जाता है, और उससे बहुत सारा नुकसान होता है। तो भारत सरकार ने भी एक ऐसी कमेटी बनानी चाहिए, एक्सपर्ट कमेटी, और वो ऐसे जगह पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित सेफ्टी जगह पर लाने की आवश्यकता है। हर राज्य में भी इसी तरह की कमेटी बनाकर अपने अपने राज्यों का सर्वे करना चाहिए, और ज्यादातर पहाड़ों में रहने वाले आदिवासी लोग है। आदिवासी लोग नया ऑक्सीजन खुद भी लेते हैं, वो बहुत बड़े तगड़े होते हैं, बहुत बड़े ताकतवर होते हैं, और बहुत अच्छा काम करते हैं, अगर भागने के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं, दूसरों को जगाने के लिए भी बहुत अच्छा काम करते हैं। और लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोगों को न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए सभी राज्य सरकारों को भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि उनको सुरक्षित जगह पर लाना चाहिए। कब क्या होगा मालूम नहीं होता है। तो इसी तरह मतलब ट्राइबल समाज को न्याय देने की भूमिका हमारी है। इस साल का आपका बजट कम से कम 1,21,000 करोड़ का है, मेरे मंत्रालय का बजट जो है 1,59,000 करोड़ का है, और माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने दलित आदिवासियों को ज्यादा से ज्यादा न्याय देना चाहिए भूमिका ले ली है, और इसीलिए मतलब हम सब लोग एक साथ है। बहुत सारी पार्टियां हैं, आपकी भी पार्टी हमको तो सपोर्ट करती है। अभी वो कल इलेक्शन में करेगी नहीं मालूम नहीं है, लेकिन या अंदर तो आपका सपोर्ट हमको मिलता ही है, और हम आभार व्यक्त करते हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर के साथ मेरी अच्छी तरह दोस्ती भी है, और बहुत अच्छा काम उनका तो चल रहा है, वो भी काम करते। उड़ीसा के लोग भी मतलब हमारे साथ है, नवीन पटनायक साहब जो वो भी हमारे मित्र है, कोयला मंत्री थे एनडीए में पहले, तब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तब मैं आपके साथ नहीं था, लेकिन आपके साथ हवा नहीं थी इसीलिए मैं नहीं था। नहीं नहीं तो वो बात नहीं, लेकिन मैं था, मेरे माननीय अटल जी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे रहते, तो मराठी बोलते थे, और नवीन पटनायक जी से मेरे अच्छे संबंध थे।
तो इसलिए आप लोग भी हमको सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए ये विषय पर आज चर्चा हो रही है, बहुत सारी जातियों को ट्राइबल में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरा निवेदन ये है कि ट्राइबल को 7.5% आरक्षण मिलता है, लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक ट्राइबल की पॉपुलेशन 8.6% है, 8.4% है, इसीलिए उनका आरक्षण बढ़ाने के बारे में विचार होना चाहिए। मतलब अगर आपका इतनी जातियों को इसमें ले ले रहे हैं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आरक्षण देना है तो शेड्यूल कास्ट को 6.6% और ट्राइबल को 8.4% आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी मेरी मांग है। तो आज यहाँ माननीय मैं बिरसा मुंडा जी को याद करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी को याद करता हूँ, जिन्होंने दलित आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा काम किया है, और इसीलिए मैं इतने ज्यादा वक्त ना लेते हुए इस बिल का समर्थन में मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है इसके तरफ से मैं इसका सपोर्ट करता हूँ। और ये कांग्रेस वाले और जो सभी अपोजिशन वाले है, तो इनका मैं इनके बारे में नाराज भी करता हूँ, इन्होंने हाउस में होना चाहिए। आदिवासी का बिल चल रहा है, आदिवासी समाज की बात करते हैं लेकिन भाग जाते हैं, इन्होंने ऐसे वक्त पर यहाँ रहना चाहिए था, लेकिन ठीक बात है, वो उनको जाने दो, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब मैं जब तक आपके साथ हूँ तब तक कोई आपको चिंता नहीं है और मुझे भी कोई चिंता नहीं है, तो ठीक बात है। तो इसीलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।